a cavity of radius r by 2 is made inside a solid sphere of radius r. ठीक है, the center of the cavity is located at a distance r by 2 from the center of the sphere. Find the gravitational force on a particle of mass m at a distance r by 2. Let's say, suppose पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, ऐसा एक कैविटी ऑफ रेडियस r by 2 इज मेड ऑफ अ सॉलिड स्फीयर है. बेसिकली रेडियस इसका r दिया हुआ है. इसके अंदर एक कैविटी है जो r by 2 रेडियस की है. r by 2, अच्छा कैविटी का सेंटर इसके सेंटर से r by 2 रेडियस पर है, मतलब यहां पर है, मतलब ये डिस्टेंस r by 2 है. तो बेसिकली कैविटी कुछ इस टाइप की है, इसकी रेडियस दे रखी है r by 2. ठीक है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m एट r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर्स. ठीक है, ये स्फीयर की और ये कैविटी की सेंटर की लाइन की ज्वाइनिंग पर अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कैविटी, मतलब यहां पर m मास रखा हुआ है इधर से r by 2 डिस्टेंस पर. यहां पर हमें क्या चाहिए, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अगर यहां पर चाहिए तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बेसिकली कैविटी वाला क्वेश्चन हो गया है अगेन. अगर हम इस कैविटी वाले क्वेश्चन के लिए देखें तो क्या है, यहां पर नेट फील्ड निकाल सकते हैं. अगर नेट फील्ड देखें तो नेट फील्ड होगी यहां पर एक तो इस पूरे स्फीयर के लिए और एक इस कैविटी के लिए. अगर इस पूरे स्फीयर के लिए देखें तो इस पूरे स्फीयर के अंदर वाला ये पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो होगी जी इंटू 4/3 पाई इंटू आर, विच इज नथिंग बट आर बाय 2 डिस्टेंस है, माइनस टी इंटू, सॉरी रो भी है यहां पर, टी इंटू, अगर मैं उसके लिए लिखता हूं तो उसके लिए वो बाहर वाला पॉइंट है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज बेसिकली आर, सो आर स्क्वायर. नाउ अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो बेसिकली अगर इसको सोल्व किया जाए तो लिखा जाएगा टी रो 4/3 पाई आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बेसिकली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इसको आर बाई 8, आर भी यहां पर से कॉमन आ जाएगा, टी रो 4/3 पाई आर कॉमन आ रहा है यहां पर. ठीक है, बाई 2 भी अगर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो बेसिकली यहां बच जाएगा 1 - 1/4 विच इज बेसिकली 3/4 विच इज बेसिकली टी रो 4/3 पाई आर बाय 2 इंटू 3/4. नाउ हमसे पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, अगर हम यहां पर स्मॉल जी की टर्म्स में हम लोग चाहें तो इसको कन्वर्ट करना हमें पड़ेगा. अगर हम लोग स्मॉल जी की टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना चाहें सो 3 and 3 विल गेट कैंसिल आउट. यहां पर अगर हम लोग उसको 3 और 3 को कैंसिल आउट नहीं भी करते हैं तो बेसिकली आई गेस इट विल बिकम 3/8. अगर हम लोग यहां पर इसको पुट कर देते हैं तो 3/8 यहां पर पुट करने पर जी रो इंटू 4/3 पाई आर इंटू 3/8, जी रो इंटू 4/3 पाई आर, हमें यहां पर जी का वैल्यू भी यहां पर दिया गया है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और एम इज बेसिकली, या अगर हम लोग चाहें तो इसको आर स्क्वायर से ऊपर और आर स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब will become what m, so it is nothing but g m upon r square into 3/8. So basically this field is basically g into 3/8, so the force will be nothing but m into g, so it will be mg into 3/8. mg into 3/8 is in option number b, मतलब option number b हमारा यहाँ पर correct answer होगा. question number 22 clear है.